नमस्कार, मैं हूँ द वायर की इस खास बातचीत में आप सबका स्वागत है। अंबेडकर जयंती है और अंबेडकर को जब भी याद किया जाता है तो उनकी जो पहचान है उसे या तो संविधान निर्माता के रूप में और या फिर जो आरक्षण के मुद्दे है उस तक सीमित कर दिया जाता है, लेकिन जो आरक्षण है वो उनकी सामाजिक लड़ाई का एक बहुत छोटा हिस्सा है। साथ ही में अंबेडकर के जिस पहलू की बात बिल्कुल नहीं होती वो है अंबेडकर का महिलाओं के लिए, जो उन्होंने जो कुछ किया, अंबेडकर का महिलाओं के सवाल को लेकर क्या नजरिया था, क्या विचार थे, उन्होंने सिर्फ विचार ही नहीं उसके लिए क्या क्या कदम उठाए। इस वीडियो में आज हम वो बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कौशल पवार मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है कौशल आपका। और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दलित अधिकारों को लेकर के खास तौर पे एक वक्ता रही हैं। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे पर। वायर की टीम चूंकि वर्क फ्रॉम होम कर रही है तो इस स्थिति में हम कोशिश कर रहे हैं कि आज के इस मौके को हम खास तौर पे अंबेडकर को फेमिनिज्म और नारीवादी की दृष्टि से कैसे देख सकते हैं। कौशल, आपको जैसे हम जानते हैं अंबेडकर का एक बहुत ही फेमस जो एक सेंटेंस है कि किसी भी समुदाय की प्रगति उस समुदाय की महिलाओं की प्रगति से आकी जानी चाहिए, उसी को जोड़ते हुए मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूंगी। अंबेडकर ने अगर आप 100 साल पहले हम देखते हैं तो जो जेंडर जस्ट लॉज हैं, यानी कि महिलाओं और पुरुषों के लिए बराबरी के कानून, जैसे कि हिंदू कोर्ट बिल से लेकर के रिप्रोडक्टिव चॉइस और मैटरनिटी लीव तक की बात अंबेडकर ने उस समय में की, इन सारे चीजों को, खासतौर पे हिंदू कोर्ट बिल जिसका उस समय तो बहुत ही विरोध हुआ था, लेकिन आज भी वो समाज में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है वो सारी बातें जो अंबेडकर उस समय कर रहे थे, आप उन सारी कानूनी पहलू को तब और आज महिलाओं के लिए कैसे इंपॉर्टेंस देखती हैं, क्या रेलेवेंस देखती हैं उसका? देखिए, सबसे पहले तो साक्षी जी, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और दी वायर का आभार व्यक्त करती हूँ जो हमेशा रेलिवेंट मुद्दों पर बातचीत करते हैं। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को पूरा विश्व मना रहा है और खासकर दलित बहुजन समाज न केवल मना रहा है बल्कि उनको जानने की कोशिश भी करता है। जितना बाबा साहब के पहलू को पढ़ते हम लोग जाते हैं उतने ही उनके उनके ज्ञान के भंडार से वाकिफ होते चले जाते हैं। जैसे कि आपने खुद माना कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बहुत छोटे स्तर पे आंकने की कोशिश करते हैं, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, बल्कि मैं यहाँ तक कहूंगी कि एक तरह से आरक्षण कोई और दलितों के मसीहा के रूप में ही भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 19 डिग्री के होल्डर थे। नंबर वन, उनकी विद्वता के ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता आज तक भी। नंबर टू, 69 विषय ऐसे थे जिस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत विस्तार से लिखा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण वांग्मय जो खंड 22 तक है पूरे विस्तार से उनके बारे में बताया गया है। और खासकर महिलाओं के सवाल पर अगर उनकी पूरी मतलब उनके बचपन को ही देखें, बचपन में ही जिस तरीके से उन्होंने अपनी माँ को देखा, अपनी बुआ को देखा और तमाम उस वक्त की जो महिलाएं थी उनकी कैसी स्थिति थी उनको देखा। और सबसे बड़ी बात इसमें आपको ये और बता दूं मैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने पिता सतपाल जी से ज्योतिबा फुले, जो आधुनिक भारत के नव जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं, उन्होंने ज्योतिबा फुले के बारे में जानकारी बचपन से ही हासिल कर ली थी। और ज्योतिबा फुले न केवल ज्योतिबा फुले बल्कि ज्योतिबा फुले वो जिन्होंने नारी शिक्षा के ऊपर इतना ज्यादा काम किया कि जो घर से शुरुआत जो होती है उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और न केवल पढ़ाया बल्कि उनको समाज में शिक्षित बनाने का इतना बड़ा बीड़ा उस वक्त उठाया था जब हम लोग धर्मशास्त्रों के माध्यम से जीते थे, पेशवाई राज्य में थे, महिलाओं को धर्मशास्त्रों के अनुसार एक तरह से भले ही अगर अपवाद के रूप में रहे भी होंगे कुछ उदाहरण, मैं बिल्कुल नकार नहीं रही, लेकिन फिर भी अगर कुछ उदाहरण रहे भी होंगे तो भी एक तरह से शिक्षा जो महिलाओं के हाथ में होनी चाहिए थी वो पूरा का पूरा एक तरह से नगण्य थी। और खासकर दलित और बहुजन समाज के महिलाओं के लिए तो था ही नहीं। अगर धर्मशास्त्रों में छुटपुट हमें, क्योंकि मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र पढ़ा रही हूँ और धर्मशास्त्र एक तरह से कानून के रूप की तरह लिया गया है भारत में, उसको मैंने पढ़ाया है और मैं पढ़ा भी रही हूँ अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में, मेरा डॉक्टरेट उसी में मेरा है, धर्मशास्त्र में क्या स्थिति थी शूद्रों के। बहरहाल मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बचपन में ही सावित्री बाई फूले का जो कंट्रीब्यूशन था महिलाओं की शिक्षा के लेके उनके पूरे जीवन में बहुत
मतलब इतना गहरा प्रभाव उनके जीवन पर गया था सावित्री बाई फुले के एजुकेशन के कंसेप्ट को लेके, कि उन्होंने महिलाओं के ऊपर काम करना शुरू किया। आप ये देखिए कि उनको, मैं मोटा मोटा आपके दर्शकों को भी बल्कि बताना चाहूंगी कि एक पूरी एक लंबी लिस्ट है। हमें हिंदू कोड बिल, थोड़ी सी जानकारी है हिंदू कोड बिल की, हम महिलाएं होते हुए भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से कैसे महिलाओं के लिए आजादी की न केवल सांस दी, बल्कि एक महिला भी व्यक्ति है, उसके भी मानवीय अधिकार हैं, वह भी भारत देश की नागरिक है, यहाँ तक की जो जो जागृति थी महिलाओं के जो अंदर वो लेके आए थे, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बदौलत थी। मैं पूरी लिस्ट एक बार आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, फिर जो आपका दूसरा सवाल है कि आज महिलाओं का जो आज की जो स्थिति में महिलाओं को देखा जाना चाहिए, उनका कंट्रीब्यूशन महिलाओं के बारे में क्या था, वो उसके ऊपर मैं बात करूंगी। क्योंकि हम आजाद भारत के बाद जिस तरीके से परिस्थितियां बदली, जिस तरीके से संविधान में कानून बना दिया गया एक तरह से, बिल में नीत होने के बावजूद भी जिस तरीके से महिलाओं ने अपने अपने अधिकारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को एक तरह से नजरअंदाज किया, न केवल दलित समाज की महिलाएं बल्कि जो हमारे जो जो आंदोलन करने का जो अधिकार था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बदौलत जो मिला था, उन्होंने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहीं ना कहीं उस तरीके से क्रेडिट नहीं दिया जो दिया जाना चाहिए था। मैं बात कर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो महिलाओं के लिए किया, आखिर वो था क्या क्या पूरा हिंदू धर्मशास्त्र में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान थे, जो जो शास्त्र निहित जो अधिकार महिलाओं के लिए दिए गए थे या जो कर्तव्य नहीं थे, अव्वल तो कर्तव्य ही नहीं थे, उन कर्तव्यों को उन अधिकारों को एक तरह से एक लाइन में अगर मैं पूरे शास्त्र के ग्रंथों को बताऊं, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो महिलाओं के द्वारा किए गए काम है उनके आधार पर आप उसको जान सकते हैं। प्रथा जो परंपरागत रूप से भारतीय शास्त्रों में वर्णित थी उस पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत अद्भुत तरीके से समर्पित किया। एक तरह से जो जो प्रथम वैध पत्नी थी उसके रहते हुए दूसरी शादी अमान्य होगी, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने काम किया। बेटे की बेटी को भी पिता की संपत्ति में अधिकार मिले इसका प्रावधान किया, राइट उस समय में। यस, गोद लेने का जो अधिकार नहीं था, हम जानते हैं कि अगर आप झलकारी भाई के कंट्रीब्यूशन को या फिर जिसको पॉपुलरिटी के रूप में हमेशा लक्ष्मी बाई के नाम से जाना गया, लक्ष्मी बाई का को गोद लेने का अधिकार एक तरह से उन दोनों को ही गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया था, अंग्रेजी सरकार ने तुरंत उसको अमान्य किया था। तो आप ये देखिए कि अगर ये उस वक्त 1857 में ये अगर हम इसको एविडेंस के रूप में माने, शास्त्रीय ना भी हम माने कि कहीं अपवाद के रूप में कि नहीं, शास्त्रों में तो बहुत लिबरल एक तरह से महिलाओं के लिए था, लेकिन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में सब जानते हैं कि लक्ष्मी बाई का जो दत्तक पुत्र था उसके पुत्र होने के बावजूद भी उनको अंग्रेजों के द्वारा उनकी झांसी को छीन लिया गया था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने गोद लेने का अधिकार महिला को दिया, उसके बाद तलाक लेने का अधिकार दिया, बेटी को वारिस बनने का अधिकार दिया। हम सब जानते हैं हमारे यहाँ जो राजशाही थी उसमें हमेशा जितने भी धर्म ग्रंथ पढ़े हैं आप देख लीजिए, आजकल हम रामायण पढ़ रहे हैं। मैं आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस वक्त के और आज जो हमारे सामने है इसका ये दोनों कंपैरिजन भी हो जाएगा। साक्षी जी आप बड़ा मजेदार है, अभी हम आजकल देख रहे हैं, आप ये देखिए जब दशरथ को मतलब दशरथ को बच्चे पैदा नहीं होते तो कैसे वो यज्ञ करता है, और उसके लिए पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया जाता है वो पुत्र प्राप्ति के लिए होता, पुत्री प्राप्ति के लिए नहीं होता। और आपको जानने के लिए बता दूं कि दशरथ के माध्यम से ही हमने ये कहा कि मेरे वंश को आगे मेरे पितृ दान मतलब पितृ ऋण को मैं कैसे चुकाऊंगा, जबकि पहले से ही एक बेटी थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है कि जब चार पुत्र पैदा होते हैं अब वो यज्ञ करने के बाद और खीर खाने के बाद, उससे पहले ही उनकी पुत्री थी जिसने एक तरह से पुत्री होते हुए भी निसंतान माना अपने आप को। क्यों निसंतान इसलिए माना, क्योंकि वह पुत्र का पिता नहीं था। बेटी को वारिस बनने का अधिकार दिया कि अगर आपको बेटा मतलब बड़ी अगर बेटी है तो बेटी को ही वारिस बनने का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद
ने खुद माना कि जो प्रसव छुट्टी थी उसका प्रावधान किया, समान समान कार्य के काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, स्त्री की क्षमता के अनुसार ही काम लेने का अधिकार भी बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से कारखानों में महिलाएं काम करती थी, जिस तरीके से कोयला खदानों में काम करती थी, किसी भी तरह का कोई टाइम लिमिटेशन उनका नहीं था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने प्रसव का तो छुट्टी का प्रावधान दिया ही दिया, लेकिन काम के घंटे भी महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए निश्चित किए। साथ ही साथ जो महिला शारीरिक क्षमता के अनुसार बायोलॉजिकल जो स्ट्रोंगनेस है महिला की, उस स्ट्रोंगनेस के साथ महिला कितना काम कर सकती है उसी के आधार पर उसको निश्चित समय तक ही काम लिया जा सकता है, इसका प्रावधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। उसके बाद हम सब जानते हैं लिंग भेद को खत्म किया है, जेंडर का जो हमेशा जो एक तरह से मुद्दा बना रहा है लिंग भेद को खत्म किया। तमाम कितनी हमारी बच्चियां थी जो गर्भ में मार दी जाती थी, लेकिन उसके बाद आज तक भी देखिए आप कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसने तो गर्भ को पहले तो गर्भ में अल्ट्रासाउंड करने के बाद मारा जाता था, लेकिन उसके बाद तो ऐसी विकसित प्रणाली की कि जो लड़की होने के जो गुण होते हैं उस गुण को ही नष्ट कर देना, ये हमारे इतर रहा है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस वक्त सीधा ये कानून बनाकर तय किया कि लिंग भेद खत्म होगा। बाल विवाह पर रोक लगाई। हम जानते हैं कि आज भी कहीं ना कहीं छुटपुट जगहों पर बाल विवाह होते हैं, उस पर बाबा साहब रोक लगाई। रखनी प्रथा एक बहुत मतलब महिलाओं के लिए एक तरह से वस्तु की तरह इस्तेमाल करने वाला कंसेप्ट था रखनी प्रथा। हम जानते होंगे कि रखनी प्रथा का क्या मतलब होता है, मतलब किसी को अपने घर में बिना विवाह के बिना वैधता के रख लेना, इसको मैं कोरिलेट भी करना चाहूंगी साथ ही साथ कि पिछले दिनों एक आंकड़ा भी आया, NFIW ने इसके ऊपर काम भी किया, आप परिचित होंगे, माइग्रेट की गई महिलाएं, मतलब खरीद कर लेके आना। मैं हरियाणा से आती हूँ, बहुत सारी महिलाओं से मैं रूबरू हुई, मेरे आसपास पड़ोस में भी बल्कि लेके आए हैं, वो खरीद के लेके आते हैं महिलाओं को, लेके आते हैं, वो एक नहीं रखता बल्कि उस महिला को पहले एक इस्तेमाल करता है जो पैसे लेके जो खरीद के लेके आता है, फिर उसके बाद उसको आगे बेच दिया जाता है। मतलब आप इतनी बदतर हालत में पहुंचते हैं, आज के समय की बात कर रहे हैं, बस बात नहीं कर रही हूँ, आज के समय जो टेक्नोलॉजी में सोशल मीडिया के माध्यम से एक बात को छोटी सी छोटी बात को हम कितनी दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं, इसके बावजूद भी आज जिस तरीके से महिलाओं को खरीदा और बेचा जाता है ये बड़ा कंसेप्ट उस दास प्रथा से भी भयानक किस्म का है। मतलब उनको ऐसे रखा जाता है कि बिल्कुल एकदम मतलब इतनी बदतर हालत है महिलाओं की, ऐसी महिलाओं की जो जो कोई वैधता नहीं होती उनकी, कौन उसको इस्तेमाल कर रहा है, कौन उसका उसका एक व्यक्तिगत उसकी अस्मिता क्या, उसकी अस्मिता नाम की कोई चीज। आज भी मैं अब की बात कर रही हूँ, हम 21वीं सदी में है, आज भी महिलाओं को इस तरीके से खरीदा बेचा जाता है। अम्बेडकर ने इस रखनी प्रथा के ऊपर सबसे पहले कानून बनाकर इसको रोकने का प्रयास किया था। वेश्यावृत्ति पर रोक लगाई, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया। आप ये देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कानून बनाकर हिंदू कोड बिल के माध्यम से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार महिलाओं को दिया। अगर मैं आपका ही लूं, आज आप हम सब जानते हैं टेम्पल वाला पदनाम मंदिर में तमाम ये जो साउथ में जो हुआ, मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी महिला मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, जबकि हमारा धार्मिक स्वतंत्रता महिलाओं को देता है, ये रिकॉर्डेड है, शास्त्रीय रिकॉर्डेड, हमारी जो धार्मिक पुस्तक हमारे भारत की सबसे बड़ी जो पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो परंपराएं हैं, जो गली सड़ी परंपराएं हैं एक तरह से मैं कहूंगी, वो परंपराएं कानून की वैधता को खत्म करके अपनी उन्हीं गली सड़ी परंपराओं के माध्यम से जिसके आधार पे आप संतान प्राप्ति का अधिकार रखते हैं, जिसके माध्यम से आप संतान प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं कि महिलाओं तो अस्वच्छ हो जाती है या महिला अपवित्र होती है, उनको जाने का अधिकार नहीं है उस पीरियड में। आप कितनी गंदी, मुझे मुझे मतलब बड़ा दुख हो रहा है ये बात शेयर करते हुए, पिछले दिनों ये रिपोर्ट भी आई कि किस तरीके से बच्चियों को जो मंदिर में प्रवेश कर रही थी उनके अंडर गारमेंट निकाल के चेक किया गया कि उनको मतलब पीरियड्स आए हुए हैं या नहीं। ऐसे हम समझ ऐसी
से हम अपनी अस्मिता को खंडित करवाते हैं आज भी, और जबकि कानून है हमारे सामने ये। तो आगे मैं बढ़ते हुए आपको बताना चाहूंगी जल्दी ही, क्योंकि आज कई सारे एंगेजमेंट है, 2 बजे मेरा नेक्स्ट लेक्चर भी है। हाँ, बताना चाह रही थी मताधिकार का। बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया महिलाओं को, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने का द्वार खोला। आप ये देखिए, भारत की आजादी के बाद इंदिरा गांधी जैसी महिला, जो बिल्कुल एकदम फेमिनिज्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण व्यक्तिगत रूप से मानती हूँ, देश की सूबे की प्रधानमंत्री बनती है। किसकी बदौलत? भीमराव अम्बेडकर। अगर भीमराव अम्बेडकर ना होते तो मायावती मुख्यमंत्री नहीं बन सकती थी, सुषमा स्वराज रक्षा मंत्री नहीं, विदेशी मंत्री नहीं बन सकती थी, ममता बनर्जी जो इतनी बड़े सूबे बंगाल की जो मुख्यमंत्री है आज, नहीं बन सकती थी, वसुंधरा राजे मंत्री रह चुके, नहीं बन सकती थी। ये जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो आज महिलाएं बन रही हैं, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बदौलत है। ये तमाम बहुत सारे हैं, इसमें एक लंबी है। मैं चाहूंगी कि आप, हम आगे बढ़े आपकी सवाल जी कौशल, जैसा आपने बताया कि किस किस तरह से महिलाओं को एडॉप्शन राइट या इनहेरिटेंस या प्रॉपर्टी राइट, रिप्रोडक्टिव चॉइस, मैटरनिटी लीव, डायवोर्स के लिए राइट, या फिर के जो बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं उनमें महिलाओं के नियुक्ति के जो द्वार खोले अम्बेडकर ने, वो सारी चीजों पे आपने रोशनी डाली। एक पहलू जो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा संक्षिप्त में उस पर भी बताएं कि अम्बेडकर भारत में महिलाओं का सवाल और जाति के सवाल को जोड़कर देखते थे। वो कहते थे कि किस तरह से जेंडर को कास्ट के फॉर्मेशन और मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा समझा पाए कि आज के समय में जो ब्रह्मानिकल पेट्रियार्की जिसे हम बोलते हैं, हाल ही में पिछले साल ट्विटर के सीईओ ने जब वो पोस्टर उठाया था तो उस पर काफी बवाल भी हुआ था, पूरी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन इसकी जो ये जो सोच थी, ये जो शुरुआत थी इंटरलिंकिंग की, ये अम्बेडकर ने उस समय पे की थी, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्योंकि धार्मिक ग्रंथों का बहुत गहराई से अध्ययन किया था। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संस्कृत पढ़ने के लिए नहीं दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की व्यवस्था को समझने के लिए उनको धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ा था। जब उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया तो उनको ये समझ आ गया था कि भारत में जो दलितों की, बहुजनों की स्थिति है, लगभग वही स्थिति महिलाओं की है। इसलिए महिलाओं के ऊपर उन्होंने जोरदार तरीके से काम किया। उनको पता था कि जो स्तर महिलाओं का है भारत में, वही स्तर दलितों और बहुजनों का है, इन दोनों का अगर गठजोड़ हो जाए तो भारत सच में आजाद होगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो स्वतंत्रता अगर लानी है तो दोनों को इनकी उतनी ही जरूरत है जितनी दलितों बहुजनों को है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जाति के सवाल को और महिलाओं के सवाल को, दोनों को साथ साथ देखते हैं। लेकिन विडम्बना साक्षी जी ये है हमारे यहाँ कि महिलाओं ने दोनों डिप्राइव्ड सेक्शन को कभी साथ मिलकर चलने की जरूरत महसूस नहीं की। मुझे आज भी इस बात का दुख है कि हमारी महिलाएं लड़ती जरूर है, सड़कों पर भी उतरती हैं, निर्भया कांड हुआ हो या तमाम जितने आंदोलन होते हैं हमारे सामने, महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। हम सब जानते हैं कि हम 33% जो महिलाओं का जो आरक्षण जो दिया जाना चाहिए था उसमें महिलाएं लड़ रही हैं लगातार, और मैं सैल्यूट करती हूँ, मैं खुद उसके समर्थन में हूँ कि रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी जो दो डिप्राइड सेक्शन है, डिप्राइड सेक्शन दलित और डिप्राइड सेक्शन महिला, लेकिन दोनों ही जाति और स्त्री दोनों ही अलग अलग लड़ते हैं, दोनों अपने मोर्चे अलग अलग खोले हुए हैं, जिसमें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बड़े जोरदार तरीके से इसकी पैरवी की थी कि अगर ये दोनों मिलकर लड़ेंगे तो व्यवस्था में मूलगामी परिवर्तन होगा, जो कहीं ना कहीं अधूरे अधूरे लड़के चल रहे हैं। मैं कहना यहाँ ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप ये मानसिकता देख लीजिए, अब तो पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की, इसके बावजूद भी आपने कभी सुना 33% आरक्षण के बारे में एक शब्द तक बोला गया? मैंने तो नहीं सुना, मतलब एक शब्द नहीं बोला गया किसी के द्वारा। उससे पहले की जो सरकारें थी उसमें बहुमत के साथ साथ ये सोच, जो एक मानसिकता जो एक काम करती है, जो माइंडसेट हमारा बना होता है, पुरुषवादी जो एक नजरिया है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, कोई भी हो, तमाम जितनी भी पार्टी, बसपा हो, इवन एक मानसिकता काम करती है, उनके लिए ये अपचनीय है कि 33% आरक्षण महिलाओं को लिए दिया जाना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि महिलाओं का और जेंडर का, सॉरी कास्ट का, दोनों पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत शिद्दत से बात करने की कोशिश की थी। लेकिन बावजूद इसके मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज भी ये लड़ाई अधूरी है।
जी, और इसको मिलके ही लड़ा जाना चाहिए। मिलकर बहुत लड़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कौशल, आपने अंबेडकर के बहुत सारे पहलुओं को खोला। अंबेडकर की बहुत सारी वो बातें जो लोगों को नहीं पता है, वो अभी भी अंबेडकर को या तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स या रिजर्वेशन के मुद्दे तक ला करके सीमित कर देते हैं, लेकिन उन्हें और भी बहुत गहराई से जानने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपके दर्शकों को बाबा साहब अंबेडकर की जन्म शताब्दी की 129वीं बिल्कुल वर्षगांठ की जन्म शताब्दी की बहुत 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 बधाई। जय। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।